तो ये जो फ्लावर है ना, इसमें क्या है, आप एक ही तरह से इसको काट करके अलग कर सकते हो। बस हर तरफ से आप कट करोगे तो बराबर जैसे नहीं बैठेगा, जैसे इसको थोड़ा ठीक से जैसे सुंदर सा बनाते हैं, अच्छा सा नहीं बनाते। अगर ये हो, इसको तो कहीं से भी कट होते हो जाएगा, टिक जाए समझे, ठीक है। और अगर ये ऐसे हो तो अब सीधी सी बात है, इसको आप यहाँ से काटोगे तो ये बराबर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा ना बराबर। तो फिर इसको बोलते हैं एक व्यास संबंध। जब आपको फ्लावर का फॉर्मूला लिखोगे है ना, कुछ कुछ सूत्र लिखोगे, तो त्रिज्या संबंध को तो ऐसे लिखा जाता है, और एक व्यास संबंध को ऐसे लिखो, या फिर इसको इस तरीके से लिखो, यानी एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटना। तो एक व्यास है और त्रिज्या, तो एक व्यास सममित और त्रिज्या सममित प्रकार के कुछ होते हैं, ठीक है। दल बाय दल
अब बात करते हैं ननन कुलेसी के आर्थिक भाई के आर्थिक गुण ये आर्थिक शुभकारी जो पादप है इसके एक्विजी लीजिया कोरुलिया कैथा सुनो कैथा पेल्पिसिस और उसके बाद क्लीमेंटिस एजेंसिस ये सबसे ज्यादा लगाया जाता है क्लीमेंटिस Thank you.
इनको मसाला बनाने में उपयोगी होंगे और दूसरा जो है वो पीलिया और आंत कृमि के उपचार में काम आएंगे। उसके बाद हम आगे बात करें तो एनीमोन पेल्सेटिला में रक्तस्राव रोगी संबंध को ठीक कर देता है ना। आगे जो है और
उसके बाद देखते हैं पैटर्न, यानी कि वाइदर और डर तो इसमें अलग अलग कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते हैं। तो इसमें जनरली पेरिएंट, यानी जब डर और वाइदर एक जैसे होते हैं तो फरी पेरिएंट फरी डर, तो वो है इसमें पांच। अगर जुड़े हुए होते हैं तो इसे कोष्ठक में बंद करते, जुड़े हुए नहीं है अलग तरीके ना ये पॉलीमटेरियल तो इसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ब्रैकेट में बंद नहीं करते। उसके बाद आता है ए, ए मतलब होता है अगर देखो अलग अलग होते हैं ना कैलिक्स करोला तो बाहेदल को तो लिखते हैं के से और करोला को लिखते हैं सी से, ठीक है जितने भी होते हैं हमें लिख देते हैं। और अगर दल और बाहेदल एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो दल बाहेदल अलग अलग नहीं है नाइजीरिया के अंदर। फिर देखते हैं ए, ए फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब इसीलिए बताया था हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ के चलनी है हमको। ए मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मतलब होता है कि जो नर संरचना है पुम पुम के सर के लिए उसके अंदर क्या है अनंत है अनंत का निशान लगा दिया। और वो क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ठीक है सब पृथक करेंगे। उसके बाद आता है जी, जी मतलब गायनोशियम, गायनोशियम मतलब जायम। अब जायम कैसा है ऊपर की तरफ है या बाकी पुष्प चक्र पुष्प में जितने भी और भाग है उनसे ऊपर है और उससे नीचे है, ठीक है ऊपर जायम ये है आगे जायम ये स्थिति है ये देखना जरूरी है। अगर ऊपर ही अगर अधो जायम ये है तो जायम क्या अधो जायम ने मतलब जायम ऊपर बाकी सब अधो नीचे है ना तो जायम ऊपर है तो ये निशान कैसे लगेगा। दूसरी चीज व्युत्तांडवी और संयुक्तांडवी स्थितियां देखिए चार एक तरफ जुड़े हुए हैं और पांच एक तरफ जुड़े हुए हैं और वो भी आपस में एक ही कवर में जुड़े हुए हैं तो इसको 4+5 में ब्रैकेट ऐसे लिखा जाता है। या मान लो अगर किसी में चार किसी में पांच है पुष्प में तो चार से पांच यहाँ इसको माइनस नहीं पढ़ा जाएगा ऋण नहीं पढ़ा जाएगा, चार से पांच है और इसमें जो जाया है वो ऊपर की तरफ है ये ऐसे बनाया जाता है। तो ये पुष्प सूत्र है और से पादप का, पादप का नाम क्या है नाइजर। अब उसके बाद इससे हम क्या बनाएंगे पुष्प फॉर्मूला बनाएंगे। देखो भाई फॉर्मूला तो ये बन गया पुष्प सूत्र तो बन गया, अब क्या बनाना है पुष्प चित्र। अगर पुष्प चित्र बनाना है तो देखो उसके दो तरीके हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब तो आप बाहर से बनाओगे तो सही बनेगा, लेकिन जब हमें बनाना सीखना होता है तो हम इसे अंदर से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गायनोशियम की स्थिति बनाएंगे हम, ठीक है। तो गायनोशियम की स्थिति कितनी चार से पांच है तो लगभग इस तरीके से हम इस तरीके से हमने बनाया पांच, ठीक है। और ये पांच के पांच क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए मतलब इतना बॉल है तो इसको क्या बोलेंगे बीजांडवी और जुड़े हुए एक दूसरे से फिर से क्या बोलेंगे संयुक्तांडवी। ये बीजांडवी की स्थिति जो हमने ऐसे दिखाई है, ठीक है। और उसके बाद इस पांच युक्तांडवी स्थिति के बाद क्या होगा आगे क्या है दल ना, तो ये सब एक दूसरे से ये ऐसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद उनके सर उनके सर कितने असंख्य हैं तो असंख्य का मतलब आप असंख्य तो बना नहीं बैठ सकते अपन पेपर में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बहुत सारे इस तरीके से बनाएंगे इसकी भी स्थिति होती है। ये ऐसे ही बनाया जाता है तरीका यही है इसका कि अंदर की तरफ छोटा वाला और फिर बड़ा वाला। ये क्या है इसकी पालियां, पाली पढ़ चुके ना दल में पालियां होती हैं ऐसे। और ये क्या है बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको Thank you.
कुल मिला के आपको आठ बनाना है, ये छोटी सी ठीक। और इस तरीके से असंख्य और क्या है विक्रय, संयुक्त तो होते हैं ये एक दूसरे से पृथक है ठीक। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे ये बना दिए। अब इनके बनाने के बाद क्या होगा, उनके से बनाने के बाद अब आप बाहर आओ, क्यों, क्योंकि ये तरीका यही है। अगर आप अंदर से बनाना बाहर से बनाना शुरू करोगे ना तो फिर अंदर जाएगा भी बचती है और फिर बच्चे जाएगा गलत कर देते हैं ठीक। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं वो कि दल जो होते हैं ना और बाह्य दल, अब दल और बाह्य दल में अंदर तो पता है नहीं है ठीक है, और इसकी सिरे में यहाँ से जुड़े हुए होते हैं पांच, ये है तो इसकी सिरे में पांच होंगे, ये अगर इसकी स्थिति ये है ना तो ये क्या है मतलब जायांग से दल लगे हुए कंडीशन में होंगे तो इसकी स्थिति यही तो होगी, ये जायांग है इसके सामने दूसरा और ये यहाँ पर इस तरीके से बनेगी इसके सामने। और उसके बाद क्या बना रहे हैं, बाय दल होता है अंदर तो आई फिर क्या बता रहे हैं आपको पहली एंट्री में, ये इससे पता चल गया कि ये पहली एंट्री है अलग अलग नहीं है ठीक है। और फिर ये क्या है बाह्य दल जो होंगे वो कैसे होंगे पांच हैं ठीक है, और उनका जो फिर क्रम है यानी कोट शादी है या व्यावर्तिक है वो सब कुछ आप लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे। तो इसमें जो है ना उनकी स्थिति ऐसे है, इसके अल्टरनेट होते हैं, एक दोनों से ढका हुआ और बाकी दो एकांतर इस तरीके से है ना, एक तीन एकांतर है और एक तीनों को ढके हुए देखोगे। एकांतर का मतलब क्या है, एक हिस्सा अगर इसका ऊपर है तो दूसरा हिस्सा इसका इससे दबा हुआ होगा, इसका एक हिस्सा अगर ऊपर है तो अगला हिस्सा नीचे होगा तो उसे कहते हैं एकांतर स्थिति ठीक है। ये ढका हुआ है यहाँ से फिर अभी नीचे ऐसे जाएगा, लेकिन दूसरे की स्थिति ये है कि पूरी तरीके से एक पूरी तरीके से नीचे होगा और एक पूरी तरीके से ऊपर, क्योंकि पांच मिले तो पांच बनाने हैं ठीक है। एक पूरी तरीके से ऊपर और नीचे और दूसरा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा ऊपर, इस तरीके से कंडीशन होगी देखो अभी। तो और फिर उसके बाद इसको ये दल जिससे पता चले कि हम जो बना रहे हैं वो है क्या बाहर दल ठीक है। और एक बार अगर समय पत्र होता तो यहाँ एक ऐसे और बनाते पत्ती जैसे, और नहीं है नहीं बनाएंगे। एक बार आपने पूरा चित्र बना दिया, पूरा पुष्प चित्र बना दिया लेकिन मात्रक नहीं बनाया तो डायग्राम का जीरो नंबर मिलेगा, मात्रक का मतलब सब एक ही पुष्प इसका मात्रक होता है ठीक है। और ये प्रारूप के लिए इस तरीके से बन गया आपका पुष्प ग्रम होगा ठीक है। अगली पहली अब कल या इसमें छोड़ दो।